गाइस वेलकम। और आज के व्लॉग की शुरुआत हो चुकी है और मैं अभी अभी नहाकर आया हूँ। जैसे कि आपको आप सबको दिख सकते हैं, मैं अभी नहाकर आया हूँ और मैं आपको अभी मिलता हूँ 2 मिनट के बाद। ठंडी का समय है इसलिए हम लोग अभी हेयर ड्रायर यूज करेंगे। ये मेरा हेयर ड्रायर। और क्योंकि गाइस ठंडी में हम अपने बालों को ऐसे गीला भी नहीं छोड़ सकते ना, वरना फिर वो ठंड चिपक जाती है, इसलिए हम थोड़ा हेयर ड्रायर करेंगे। अगर आप भी ठंडी में ऐसा करते हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना। वैसे तो हर कोई करता होगा ठंडियों में हेयर ड्रायर यूज। और ये मैं हो चुका हूँ सेट, मेरे बाल पूरे सेट हो गए कुछ जैसे कि दिख सकता है। बाकी बस अभी पीछे पीछे थोड़े गाइज आप देख सकते हैं मेरे हेयर पूरे सेट हो गए। यार ये चीज क्यों नहीं सेट होती मेरी, ये चीज सेट हो जाती नहीं है मेरी। अब क्या सेट है गाइज, आपको देख सकते हैं मेरे हेयर सेट हो गए, दिख रहे होंगे आपको। देखिए गाइज पूरा साइड से, और यहाँ पे मैंने एक कट लगवाए थे जो कि इन्हें भी करना है साइड्स के बाल को। ये क्या हो गया, इधर से भी बाल दिया गया। अगर आपको मेरी तरह हेयर स्टाइल का ट्यूटोरियल चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं इसके लिए एक और अलग से वीडियो ला दूंगा, सिंगल वीडियो सिर्फ हेयर स्टाइल ट्यूटोरियल के लिए। ये हो गई मेरी हेयर स्टाइल कंप्लीट और मैं नहा धो के हो चुका हूँ रेडी। और मैंने ब्रेकफास्ट भी कर लिया, मेरी ऑनलाइन क्लास भी हो चुकी थी सुबह 8 से 10, 8 o'clock से 10 o'clock तक। नहा धो के तैयार हो चुका हूँ और मेरा मन कर रहा है कि हम थोड़ा स्केच कर लेते हैं, तो चलिए स्केच करते हैं। तो गाइज अब हम आ चुके हैं स्केच करने, मैं ड्राइंग बनाऊंगा गाइज इसकी, इस चीज को ड्राइंग बनाऊंगा। ये एक आँख है एक ड्रैगन की, या एक पता नहीं किसकी आँख है। चलिए गाइज शुरू करते हैं। गाइस पहले मैं इस ड्रैगन की आंख का बेस बनाऊंगा, मैं ऐसा कुछ इसका बेस बनेगा, फिर धीरे धीरे करके ये बनेगी इसकी आंख ड्रैगन आई।
गाइस धीरे धीरे करके आप एक ही पेंसिल से बहुत दाग कर लेते हो, कर सकते हो अगर आप एक आर्टिस्ट हो तो। गाइस ये देखिए कुछ ऐसा बना है हमारा भी बेस, यहाँ पे उसकी वो ब्लैक लाइन आएगी। ओ गाइस ये फोन भी ना भीतर 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 उसकी आँख का जो ये ब्लैक ब्लैक पोर्शन है ये जो है वो यहाँ पे आके बस कितना रुकेगा, बस यहाँ पे गाइस आपको यहाँ से आपको एक यहाँ पे तो छोटी सी ऐसे स्क्वायर टाइप बना लीजिए। उसके बाद यह उसको जस्ट यहाँ पे नीचे एक सर्कल बना लीजिए बस, ताकि वो रियलिस्टिक लगे। और फिर उसके बाद गाइस आप थोड़ा सा डार्क डार्क करते जाइए उसके अंदर, फिर फ्रेम भरिए भरिए गाइस। अगर आप एक ही साइड से अगर ऐसे ऐसे करेंगे तो वो आपकी थोड़ी सी अच्छी दिखेगी, मगर अगर जैसे कि मैंने देखा है कि कुछ लोग ऐसे 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 कर देते हैं उस पर, तो फिर वो उनकी बनती नहीं सही से। इसलिए मैं तो ये सजेस्ट करूँगा आप एक ही तरीके से करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और अभी हम यहाँ पे उसकी फिल्म को और डार्क करेंगे। थोड़ी अब मैं अभी और डार्क करनी है उसकी आई और जो ब्लैक वाला, ये जो जैसे कि मेरा ये ब्लैक पोर्शन है वैसे उसका जो ब्लैक पोर्शन है मेरे को वो भी करना है। तो चलिए गाइस इतना हो गया है, हमें अभी उसकी आई को और डेकोरेट करना है। डेकोरेट या जो भी कह लो, और यहाँ पर मैं उसकी नस बना रहा हूँ अभी, जो उसकी आँख में नस है। आई होप कि आपको फ्री होगी ये जो बनेगा। वो यार ये फोन भी है, गाइस यहाँ पे हमें हल्का हल्का सा हल्के हल्के हाथों से शेडिंग करनी है, धीरे धीरे हमें हल्के हल्के हाथों से। अगर गाइस आप में से कुछ लोगों को शेडिंग नहीं आती हो तो आप सिंपली बस ऐसे लाइन बनाते जाना हल्की 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 हल्की, फिर उसके बाद
आप उसे ब्लेंड करते जाइए, किसी भी चीज़ से आप ब्लेंड कर सकते हैं, मगर वो सॉफ्ट होनी चाहिए। आप अपने लिटिल फिंगर से भी कर सकते हैं, जो इसका जो वाला पोर्शन रहता है ये वाला, आप इससे भी कर सकते हैं। जैसे कि आप अभी देख सकते हैं, अभी हम उसकी आँख के अंदर शेडिंग करेंगे। गाइस, मुझे सबसे ज़्यादा शेडिंग करने के लिए वाली फिंगर, ये जो फर्स्ट फिंगर है हमारी, ये अच्छी लगती है। गाइस, ऐसे 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 आपको ऐसे ऐसे करके डार्क करना है इस चीज़ को। गाइज, मैं बताऊँ तो आप सबसे अच्छा तरीका तो आप अपने फिंगर से ही करिए, क्योंकि उससे सबसे ज़्यादा अच्छा होता है। और अभी हम इसके आउटलाइन करेंगे। गाइज, यहाँ पे जो इसके जो हमने सर्कल्स बनाए थे, एक सर्कल बनाया था और एक स्क्वायर बनाया था, उसे हमें मिटाना है। उसके अंदर की जो शेडिंग भरी है वो हमें मिटाना है, बस हल्के हल्के से। यहाँ पर वो भी मिट गई है, हमने और शेडिंग कर दी है। और अभी हम बनाएंगे उसकी आउटलाइन। गाइस, फिर यहाँ से इसकी ये ऐसे चीज़, इसकी आउटलाइन ऐसे गई है। गाइस, जैसी आप ये बड़ी वाली बना लोगे, बड़ी वाली से आपको एकदम ऐसे लेकर जानी है। उसके बाद ऐसे इसको इधर ऐसे करना है, यहाँ पे आपको ये लेकर जाना है। फिर यहाँ से ऐसे धीरे 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 पतले पतले उससे आपको यहाँ पे उसके छोटे छोटे रिंग्स बनाने हैं। रिंग्स बनाने के बाद गाइस, ऊपर जो 4:8 की शेडिंग होगी उसके लिए, गाइस ऐसे समय पे अगर आपके पास एक तो कोई भी ऐसा पेपर होगा, आप उससे उसे करके यूज़ करिए, ताकि जो अपना जो याला पार्ट रहता है ड्राइंग करते समय, उससे जो हमारी शेडिंग होती है वो पूरी उड़ जाती है। इसलिए गाइस, मैं तो ये रिकमेंड करूँगा कि आप ऐसे पेपर रख के यूज़ कर सकते हो। यहाँ से ये चीज़ ऐसे जाएगी, और गाइस अभी हमें इसे और थोड़ा करना है शेडिंग, इसके इतने पोर्शन पे, इतने 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 सबके कॉर्नर पे करना है। गाइस, मुझसे एक गलती हो गई थी, ये मैंने इसकी लाइन ऊपर निकाल दी थी। छोटी छोटी गलतियाँ होती रहती है गाइस हमसे।
इसकी जो लाइन है ऐसे आएगी और इसकी जो लाइन है इधर आएगी, इन दोनों की लाइन भी आएगी ना यहाँ पे। तो अभी और गाइस अभी शेडिंग अभी मैं ऊपर वाले इलाके की कर रहा हूँ ताकि बाद में मैं नीचे वाले की करूँ। ऐसे ऐसे आपको सपना करना है। गाइस इनमें छोटा छोटा सही है तो मैं इसलिए अभी इनमें छोटा छोटा कर रहा हूँ, बाकी जिसमें बड़ा है मैं उसमें बड़ा ही कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं कितनी प्यारी लग रही है ये ड्रैगन आई। और अभी करनी है हमें ऊपर वाली, गाइस इस साइड भी हमें ऐसी करनी है जैसे हमने नीचे वाली साइड करी थी। गाइस यहाँ पे भी हमें थोड़ी थोड़ी सी करनी है, बस थोड़ी थोड़ी सी। गाइस ये देखिए कितनी प्यारी लग रही है, बस हमें गाइस आखिरी वाला करना है। फिर सब रेडी एकदम से ये हो गई गाइस हमें ड्राइंग पूरी, बस इसमें थोड़े एडिशनल से हमें वो ड्राइंग्स के क्या बोलते हैं यार, मैं भूल गया यार गाइस, जब याद आएगा मैं आपको तब बता दूँगा। गाइस आप देख सकते हैं कितनी प्यारी ड्राइंग लग रही है ये जो अभी मैंने बनाई, मुझे आँख प्यारी है ना गाइस। अच्छी लगी हो तो कमेंट में या इस वीडियो को लाइक कर देना अगर आपको मेरी ये ड्राइंग अच्छी लगी हो तो। अच्छी लगी ना गाइस? गाइस मैं व्लॉग अपना एंड नहीं कर पाया था क्योंकि गाइस स्केच वर्क के बाद मैं अपने पापा के साथ चला गया था मार्केट दिवाली की शॉपिंग के लिए और मैं जस्ट अभी आया हूँ, तो मैंने सोचा कि व्लॉग को यहीं पर एंड कर देते हैं। तो टेक केयर एंड बाय बाय। उससे पहले डू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। टेक केयर एंड बाय बाय।